जैसे श्याम बेटा, ये हमारी क्लास नंबर 10, क्लास 10 है बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। इसके अंदर प्लीज इसमें आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लास्ट टॉपिक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया बेटा, अब हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अंदर सिंपल सा है कि एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए क्वेश्चन ये बोलते हैं, ए नाम का एक पार्टनर है, कौन है ए, उसने 1 अगस्त 2022 को फर्म से 5000 रुपए निकाले, विड्रॉल किए। कितने रुपए विड्रॉल किए? 5000। ठीक है, और कहता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो है 12% पर एनम, 12% पर एनम। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करो, तो बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि ईयर एंड कब होता है, तुषार क्वेश्चन बेटा ये बताएगा कि ईयर एंड कब होता है। जनरली ईयर खत्म होता है 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो इसने फर्म से इसके घर पे पैसे की जरूरत थी, इसने बेटा 5000 रुपए विड्रॉल निकाली फर्म से, जरूरत थी तो 1 अगस्त को निकाले, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ हो गए? 8। तो इसके ऊपर 8 मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बचपन से याद है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये लगा लेते हैं आप, मतलब जितना। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट कितनी निकाली आपने? 5000। आप फॉर्मूला पता क्या लिखोगे? ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू टाइम, 5000। अच्छा रेट क्या है? 12%, परसेंट उठाओगे तो क्या आ गया? 100। कितने मंथ का? 8/12, 12 से 12 कट गया बेटा, बोलो कितना आया? 4 आंसर आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मतलब ये 400 है ना, उसने फर्म से पैसा निकाला था, तो ये 400 रुपए बेटा पार्टनर को, फर्म को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने पार्टनर ने फर्म का पैसा क्या क्या यूज किया है। आपसे पैसे उधार लेके मैं यूज करता हूं तो इंटरेस्ट कौन देगा? मैं दूंगा। मेरे से पैसा लेके आप यूज करते हो तो इंटरेस्ट कौन देगा? आप दोगे। तो वही बात है कि पार्टनर ने फर्म से लिया है, तो पार्टनर ने फर्म से लिया है तो फर्म को इंटरेस्ट देगा। ठीक है, फर्म के लिए क्या बेटा? इनकम है, तो इसलिए फर्म के पेंडल एप्रोप्रिएशन पर कहां लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बोलो बात समझ आएगी? ये तो हो गया सिंपल। इसमें बेटा प्रोडक्ट मेथड भी होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट मेथड में, मान लीजिए एक पार्टनर है, उसको टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, कभी बच्चों की फीस देनी है, कभी घर पे चाहिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, कभी कोई घर पे इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार हो गया, तो वो निकालता रहता है पैसा। अब क्वेश्चन बोलता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्वेश्चन ने बता दिया हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ए ने 1 मई को पैसा निकाला 5000, फिर उसने पैसा निकाला 1 अगस्त को 3000, फिर उसने 1 नवंबर को निकाला 2000, फिर उसने 1 जनवरी को निकाला 3000। साल में इतनी बार पैसा निकाला, 1, 2, 3 और 4। अब देखो है क्या, ये पैसा आ रहा 1 मई को निकाला बेटा, तो इस पे इंटरेस्ट मई से लेके मार्च तक लगेगा, क्योंकि अकाउंट कब ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को, मई से लेके मार्च तक, तो मई से दिसंबर आप कैलकुलेट करोगे 7 महीने हो गए, है ना, मई टू दिसंबर 7, फिर जैन 5 और मार्च कितने हो गए? 10 महीने, तो इस पे 10 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। बोलो बेटा ये पैसा उसने फर्म का कितने मंथ यूज किया है? 10 मंथ, तो इस पे 10 का लगना चाहिए। तुम सुन गए की बात? नहीं आई? नहीं आई? ऊपर वाला समझ आ गया था बेटा, इसने पैसा फर्म से एक बार नहीं निकाला, कितनी बार निकाला? 4 बार। पहला पैसा इसने 1 मई को निकाला, तो इंटरेस्ट कब से लगेगा?
एक मई से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने होंगे। तो इसमें इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 11 महीने का। समझ आ गया? फिर पैसा कब निकाला? 1 अगस्त को। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें कितने मंथ लगा लगेगा? 8 मंथ का। ये पैसा कब निकाला? 1 नवंबर को, नवंबर दिसंबर, इसमें 5 महीने का लगेगा और इसमें 3 महीने का। ऐसे आप 1, 2, 3, 4 चारों का निकालो अलग अलग और फिर उसका क्या करते हो? टोटल। तो वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। बात समझ आ गई? ये तो हो गया सिंपल मेथड से, लेकिन हमें कौन सा मेथड लगाना है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है सुनो? प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। डेट का कॉलम बनाते हैं फर्स्ट, दूसरा अमाउंट कितनी विड्रॉल की, अमाउंट विड्रॉल, फिर बनाते टाइम का कॉलम, किसका बेटा, और फिर अगला कॉलम होता प्रोडक्ट का, किसका बेटा, प्रोडक्ट का। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपने पैसा निकाला 1 मई को, 1 मई को बताओ कितना निकाला? 5000 लिख दो। फिर अगला कब निकाला? 1 अगस्त को, कितना निकाला? 3000। फिर निकाला 1 नवंबर को, कितना निकाला बेटा? 2000। फिर कितना निकाला 1 जनवरी को, कितना बेटा? 3000। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ठीक है आपको कि सर ये वाला तो आपने वहां पर भी बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। हाँ, इंटरेस्ट निकालने का मेथड है प्रतीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकाल लो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का निकाल लो, ये इंटरेस्ट निकालने का क्या है? मेथड है। समझा गई मेरी बात? बताओ ये पैसा फर्म का 1 मार्च से ले 1 मई से कितने महीने यूज हुआ? 11 महीने। अभी कैलकुलेट तो किया था, दोबारा क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ये आपने 1 अगस्त को निकाला, ये पैसा कितने महीने यूज हुआ? 8 महीने। चलो जहां डाउट हो पूछ लेना बेटा, तुषार डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि आप बीच में लगा रहे हो। वैसे टॉपिक नया है, समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से। चैप्टर पुराना है, टॉपिक नया है। कितने महीने का लगेगा इसमें? 8 महीने का। ये तो सिंपल है, बढ़िया बुद्धि लगाओ बस। सीधा 1 नवंबर से 31 मार्च कितने महीने? 5। और ये कितने महीने का बेटा? 3 मंथ। तो इसमें इसका ये महीने आगे मंथ, ठीक है। अब अपने प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, अमाउंट को टाइम से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो 5000 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 55000। ये कितना हो गया? 24000। ये कितना हो गया? 10000। और ये कितना हो गया? इसका टोटल कर दो 55 और 24 और 10 और 9, 63, 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
93 आएगा, नहीं जोड़ो दोबारा, 55 और 10 65, 65 और 74 78, सही है, कितना आएगा 98 आएगा। अब ये समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है, डेट लिखो, अमाउंट कितनी निकाली, उसके आगे क्या लिखो टाइम, और उसे क्या करते हो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट किया हुआ हमने इनटू रेट और इनटू 1/12, ये फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, सुनना देना, टोटल प्रोडक्ट कितना है 98,000, रेट क्या है 12% बियर, कितनी बेटा 12, और इनटू 1/12, ये क्या करते सुनो ध्यान से बेटा, फॉर्मूला तो बेसिक वही है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। अब तुषार ये टाइम यहां लिखा हुआ ना, टाइम से तो हम ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई कर चुके, मतलब अपना फॉर्मूला था प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, हमने क्या किया ये प्रिंसिपल को मतलब अमाउंट को टाइम से पहले क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कर दिया ना इसमें, तो जब हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों एक हो गए, मल्टीप्लाई करके फिगर आ गया ना, ये इनका टोटल कर लिया, तो टाइम से तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया पहले, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या नहीं किया, रेट नहीं लगाई, वो रेट हमने अब लगा दी, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम डिवाइड बाय 12 भी होता है ना, 12 से डिवाइड नहीं किया तो यहां कर दिया, मतलब आधा काम यहां कर दिया, समझाया था याद करो, और आधा काम यहां कर दिया, बात वही है। सर ये 1 क्यों लगाया, अब किसी भी अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही अमाउंट आएगी, इसलिए फॉर्मूला में दिखाने के लिए 1 लगा दिया। इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा,
टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब क्वेश्चन कहेगी प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालो। किस मेथड से? तो है वही भाई, हमने टाइम से पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो डिवाइड दोबारा नहीं किया था वो हम अब कर रहे हैं। अब समझ गए मेरी बात? और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वन तो लिखा, देखो किसी भी अमाउंट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट आएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, कितना आया बेटा? परसेंटेज आओगे तो 100 आ गया ना, 100 12 से 12 कट गया, कितना आ गया 90, 980। डाउट है तो बोल दो। ये मेथड कब लगेगा? जब क्वेश्चन कहेगी प्रोडक्ट मेथड से निकालो। अगर इसको भी आप सिंपल मेथड से निकालते, निकल सकता है। यस, इस पे आप 11 मंथ का निकालते, इस पे 8 मंथ का, इस पे 5 का और इस पे 3 का, फिर चारों का जो इंटरेस्ट आता उसको जोड़ देते, वो सिंपल हो जाता। जब भी 3-4 बार ड्राइंग होगी ना तो आपसे सिंपल नहीं लगवाएगा, कौन सा लगवाएगा? प्रोडक्ट लगवाएगा। सर आपका कहने का मतलब ये है कि पैसा जितने टाइम फर्म का उसने यूज किया उतने टाइम का इंटरेस्ट देगा। हाँ, अगर उसने जिससे पूछो बता, तुषार उसने 1 दिसंबर को 10,000 रुपए निकाले, फॉर एग्जाम्पल युवराज 1 दिसंबर को उसने कितने रुपए निकाले? 10,000। अब बताओ उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 4। उसने 1 अक्टूबर को पैसे निकाले, 6 महीने का लगेगा। अब क्वेश्चन कहता है उसने 12,000 रुपए फर्म से निकाले, विड्रॉल किए, डेट मेंशन नहीं है, तो हमेशा 6 मंथ का लगेगा। हमेशा किसका लगेगा? क्योंकि अगर क्वेश्चन ने डेट मेंशन नहीं की तो वी आर एज्यूम दैट ना 0 ना 12, उसका क्या माने? एवरेज, बीच की मान लेंगे, 6 महीने। ये कब मानना 6 महीने? जब डेट मेंशन नहीं हो। इट मींस डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, वी आर एज्यूम दैट इंटरेस्ट चार्ज ऑन एट 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। समझ आ गई बात? अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही हुई है, वो क्या सर? एक इसमें होता है कि एक फिक्स अमाउंट निकालता है। क्या निकालता है? कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग में तो 6.5 करेंगे, मिडल में तो 6 करेंगे और एंड में तो 5.5 करेंगे। उसका सब लॉजिक बताऊंगा मैं अभी। इतने का अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, ओल्ड बुक मीन्स 3-4 साल पुरानी, ओल्ड नहीं, लास्ट ईयर की बुक्स। और आपके बेटा शायद आपके तो हेडिंग लगी होगी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। देखिए ना हेडिंग, कितने नंबर क्वेश्चन है? 37। राम एंड मोहन, हाँ भाई, 2 क्वेश्चन इसमें ऐड हुए होंगे। नए नई बुक में है 37 और ओल्ड बुक में है 35। क्वेश्चन नंबर 37 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक और लास्ट ईयर की बुक के अकॉर्डिंग कितना? 35। कई बच्चों के पास लास्ट ईयर की बुक है तो 35 है उसमें। आगे बात सुने, दोनों नंबर ले लो, पहला नंबर होगा वो न्यू बुक का होगा और दूसरा नंबर होगा वो लास्ट ईयर की बुक का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। है क्या बुक में? इसमें भी है, निकालो। 37 नहीं, आप मत बोलो पुराना, नई बुक का बोलूंगा बेटा। 37 और लास्ट ईयर की बुक का 35, उससे लास्ट ईयर बुक थी ओबली गोबली करके कितने लिखूंगा। ठीक है, राम एंड मोहन टू पार्टनर ड्यू द देयर पर्सनल यूज, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 और 80,000 निकाले। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग, व्हाट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल टू ईच पार्टनर। अब मेरे को एक बात, क्वेश्चन में ये बताया कब निकाले पैसे, कितने मंथ का लगेगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग नोट मेंशन, एज्यूम इंटरेस्ट चार्ज बाय फर्म, लिखना है क्वेश्चन में आपको पेपर में भी। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं देखते, कितने मंथ का चार्ज होगा? 6 मंथ का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले किसकी निकालेंगे? ए की। ए ने कितनी ड्रॉइंग की बेटा?
120,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो 6% और कितने मंथ का 6/12 ऐसे किसकी निकालेंगे बी की, बी की ड्रॉइंग बोलो 80,000 इंटू रेट 6% कितने मंथ 6/12 करो सोल्व कितना आया 3600, ये 3600 आएगा 1,20,000 3600 आएगा बेटा और ये 2400 आएगा। अरे ये देखो ना दो जीरो कट गई, ठीक है 6 1 1 6 2 2 आ गया, 2 से ये 3 आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे ये भी सोल्व करना नहीं आता क्या आपको, ये 3600 आएगा या 2400 आएगा, तो काट भी सकता हूँ फिर वो नोट करना गलत हो जाएगा काम। चलो 35 हो गया, इसके बाद देखो एवरेज पीरियड मेथड है बेटा, ये एवरेज पीरियड मेथड लिखा मैंने। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग, या तो रेगुलर ड्राइंग हो और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तब ये मेथड लगेगा। बेटा सुनना, ये एवरेज पीरियड मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल है। पता है ये कब लगता है, ये तो देखो लैंग्वेज लिखी है, इसमें कई बच्चों को नहीं समझ आता, कहता है इसमें रेगुलर ड्रॉइंग होनी चाहिए, मतलब ये जो ड्रॉइंग क्या है इक्वल होनी चाहिए, उसमें टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए इक्वल। जैसे कि पहला मेथड आपको मैं कराऊंगा कि हर पार्टनर, जैसे मान लीजिए आप ए और बी पार्टनर बने, ए ने 5,00,000 रुपए लगाए बी ने 10,00,000 रुपए लगाए, कहते अपने बिजनेस स्टार्ट कर लेते, कर लिया जी, कहते भाई पैसे तो लगा लिए, दोनों बेचारे जॉब करते थे तो महीने की 20-25,000 सैलरी मिलती थी तो घर का खर्चा चलता था, कहता है अब सैलरी कौन देगा अपने को, अपना मालिक बनेगा, कहते सैलरी तो कोई नहीं देगा, तो कहता है अपने एक ऐसे कर लेते हैं अपने को घर के खर्चों के लिए 10-15,000 रुपये हर महीने चाहिए ना, तो हर महीने की पहली तारीख को तू भी 10 निकाल लेना और मैं भी 10 निकाल लूँ, या तू 10 निकाल लेना मैं 15 निकाल लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जितने निकालेगा उतने उसके लिखे जाएंगे, तो समझ आएगी मेरी बात। तो उन्होंने फिक्स कर लिया कि हम हर महीने की पहली तारीख को निकालेंगे, तो 1 अप्रैल को निकालेंगे, फिर उसके बाद कब निकालेंगे 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, इसमें देखो फिक्स कर ली 10,000 निकालेंगे, तो ये देखो द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म इक्वल होगी बेटा हर महीने 10,000। दूसरा क्या है, टाइम इंटरवल क्या है इक्वल, हर महीने एक एक महीने के गैप पे निकाल रहे हैं, तो दोनों कंडीशन क्या होगी पूरी, तो ये एवरेज पीरियड मेथड लग जाएगा। बच्चों को ये पता ही नहीं इसका एवरेज पीरियड मेथड नाम है क्या, बच्चों को तो ये बताता 6.5 इंग्लिश बोल रहा हूँ 6.5 और 5.5 ठीक है, क्वार्टरली निकालेगा 7.5 6 4.5 ये पता होता है, ये एवरेज पीरियड मेथड है ये। अब सुनना ध्यान से, अब इसके 3 केस बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, लिखो कितने केस बनेंगे इसमें 3। केस फर्स्ट, केस लिख सकते हैं या सिचुएशन लिख सकते हैं, दोनों में एक बात, सिचुएशन फर्स्ट या केस फर्स्ट लिखो। If a partner, withdraw fixed amount fixed amount
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट को बेटा मैं शॉर्ट में आई एन डबल टी लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। हाँ रेट लिखे 10% लेगा तो 10/100 हो जाएगा, जो रेट होगी बेटा। टीचर ने आपको फॉर्मूले में लिखा दिया होगा डिवाइड बाय 100, वो तो रेट लिखेंगे ऑब्वियस 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 ही आएगा। कोई डाउट है क्या? लिख लो भाई, कंफ्यूजन ना हो, रेट डिवाइड बाय 100 लिख लो, परसेंट हटेगा तो 100 तो आएगा। कोई डाउट है ये कब लगेगा? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अंडरलाइन कर लो, बिगिनिंग मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। क्या बेटा? केस फर्स्ट, केस सेकंड लिखो, इफ ए पार्टनर विड्रॉल fixed amount at the middle of each month, so interest on drawing is equal to total drawing इंटू रेट और इंटू 6/12। केस थर्ड, इफ ए पार्टनर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है, मैं पहले बता रहा हूं, किसी ने शॉर्टकट लगाया तो गलत बात है बेटा। इफ पार्टनर विड्रॉल fixed amount at end of each month, interest on drawing is equal to total drawing into रेट इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। अब इसका लॉजिक सुनो, सुनना बेटा, लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी। सुनना किधर देख बेटा, अब मान लीजिए कोई पार्टनर है, वो कहता है कि हर मंथ हम 1 तारीख को 5,000 रुपये निकालेंगे, तो मेरी बात सुनना, उसका अकाउंटिंग ईयर मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल को पैसे निकालेगा,
उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ का, अप्रैल 1 अप्रैल को निकाले और 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो जो पैसा उसने 5000 रुपए जो निकाला उसने, उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा बेटा। अच्छा, जो अब फिर 1 मई को निकालेगा, तो 1 मई को निकाला है, उस 5000 रुपए कितने महीने का लगेगा, 11 महीने का। बोलो बात समझाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपने 1 अप्रैल को निकाला है उस पर 5000 अमाउंट निकाली, रेट मान लो 12% है, और कितने महीने का लगेगा, 12 महीने का। तो 12 डिवाइड बाय 12, समझ आ गया, तो इकट्ठा हो जाएगा ना। बोलो बेटा कितने आ जाएगा, 60 आएगा क्या, 60 आएगा, 600 आएगा क्या, बोलो बात समझ आ गई। अब अगला जो 5000 1 मई को, ये तो 1 अप्रैल को निकाला था, ये 1 मई को निकाला, इसका कैसे निकालोगे, 5000 रेट कितनी है, 12% इंटू कितने मंथ का, 11 मंथ का। ऐसे आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 12 टाइम्स करना पड़ेगा, और फिर उसका क्या करोगे, टोटल। गलत नहीं है, सही है। तो ये जो मेथड लगा रही प्रतीक अपने अलग अलग निकाल रही है, कौन सा मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड हो गया, समझे। और हमें कौन सा लगाना है, एवरेज पीरियड मेथड। तो कभी भी ऐसे लिखो ना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालता है, मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, तो क्वेश्चन का 100% मतलब ये क्या लगाना है, एवरेज पीरियड मेथड है, समझ आ गया। अब इसका लॉजिक समझ लो, जो पैसा आप 1 अप्रैल को निकालोगे उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 का। जो आपने 1 मई को निकाला उस पर 11 का। जो आपने 1 जून को निकाला उस पर, जुलाई को निकाला उस पर 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, और 1 मार्च को निकाला उस पर 1 महीने का। बोलो बात समझाइए। होता क्या है, अपनों को इतने मंथ का ब्याज लगाना है, लॉजिक समझना आप, अपने को इतने मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। अपने क्या करते हैं, ये कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 12, मेरे को पता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, 12, ये डिजिट कितनी है, 12 है। तो अपने क्या करते हैं, इसका सिंपल एवरेज कर लेते हैं। सिंपल एवरेज पता है, टोटल करो और जितनी ऊपर अमाउंट होता है क्या कर दो, डिवाइड। तो कितने से डिवाइड कर दोगे, 12 से, मतलब इन सबको जोड़ के 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो इसका टोटल करो, आप भी करो, मैं भी करता हूँ, 12 11 23 37 33 39 42 50 57 63 68 75 75 77 71 78, ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का काम है। कितने हो गए, 78 हो गए। डिवाइड किससे करना है, 12 से। अब 12 से डिवाइड करना, 12 6 जा 72, बोलो, और कितना बजेगा, 6, फिर पॉइंट लगेगा और फिर क्या लगेगी, 0, तो ये आ जाएगा 6.5। बोलो 6.5 कैसे आया, इसका लॉजिक बताया मैंने, ना बताता तो भी ठीक था, मतलब समझ गया। 78 का जो 12 से डिवाइड करोगे तो क्या 6.5 आएगा। मतलब आप 12 महीने का लगाओ प्रतीक, दूसरे पे 11 का लगाओ, फिर 10 का, फिर 9 का, 8 का, ऐसे लगाओ, या आप इस पीरियड का क्या कर लो, एवरेज कर लो, क्या कर लो, ठीक है। तो अब 5000 रुपये लगना चाहिए 12 का, फिर उस पर 11 का, तो हर पैसा जोड़ लो, 5000 रुपये लगा रहा है, तो 5000 एक महीने में निकाल रहा है तनु, तो 12 महीने में कितने निकालेगा, 60000। 60000 रुपये रेट लगा दो, लगा दीजिए रेट, कितने टाइम का, तो टाइम को हमने एवरेज कर लिया, तो ये 6.5 एवरेज से है, ना कि फॉर्मूले में है, ये बात पता थी आपको, चलो बहुत बढ़िया बात पता थी। कई टीचर ऐसे बताते हैं, पहली ड्रॉइंग करेगा उसमें 12 महीने का लगेगा, लास्ट ड्रॉइंग करेंगे उसमें 1 महीने का लगेगा, और डिवाइड कर दो 2 से और 6.5, ये भी बताया होगा कई अंतों, ये बताइए, यहाँ लॉजिक क्लियर होता है भाई। पहले पे 12 महीने का लगेगा 1 अप्रैल को क्या हो, और 1 मार्च को क्या, उस पर 1 महीने का लगेगा, तो बच्चों को समझ आता है बीच का काउंट क्या, फिर गलत बात है, तुम मतलब पहले निकाले उसके 12, मतलब पूरी चेन चला के दिखाई आपको 6.5। अब ऐसे ही है, जो एंड में निकाला प्रतीक, एंड का मतलब कब निकालेगा, पहला 30 अप्रैल को निकालेगा, तो पहले में कितने महीने का लगेगा, 11 का। फिर कब निकाला, 31 मई को, उसमें कितने का लगेगा, 10 का, फिर 9 का, 8 का, फिर जो 31 मार्च को निकालेगा उसमें पता कितने का लगेगा, 0 का, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च 0 होता है, फिर उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 6 नहीं आएगा, 5.5 आएगा, एंड का बताया मैंने,
मिडल का निकाला मतलब 15 अप्रैल को निकालेगा, फिर 15 मई को, फिर 15 जून को, 15 अप्रैल को निकाला 11.5 महीने का, 11.5 मंथ का, फिर 15 मई को निकाला तो 10.5 मंथ का, फिर डिवाइड वो 12 से करोगे तो एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। लॉजिक समझ आ गया? आपसे पेपर में लॉजिक नहीं पूछेगा। अब ध्यान से सुनो सर, हम भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे आप, मैंने लिखाया भी ऐसी है, आपको टीचर ने पहले बिगनिंग लिखाया होगा, फिर एंड लिखाया होगा, फिर मिडिल लिखाया होगा, हो सकता है सिक्वेंस में चलो, बिगनिंग मिडिल एंड। अब पढ़ने का तरीका 6:30, 6 और 5:30, सर हम भूल जाएंगे, तो एक तरीका और है। देखो मेरी बात सुनो, महीना हर महीने निकाल रहे ना, हर महीने निकाल रहे ना, ईच मंथ मंथ का हाफ कर दो 0.5, बोल के आया, इनमें डिफरेंस देख लो कितने का है, 0.5 का, 6.5, उसमें से 0.5 कम हो गया, कितना आ गया 6, फिर 0.5 कम हो गया, कितना आ गया 5.5, मतलब जितने मंथ का है उतने मंथ का हाफ रिड्यूज होएगा। अब क्वार्टरली में देखना क्या है, 6.5, 6, 6 और 4.5, 3 महीने का होता है क्वार्टर, क्वार्टर का हाफ कितना होता है 1.5 का डिफरेंस, उसका भी लॉजिक बेहतर छोटा ज्यादा हो जाएगा। आगे बात समझे, ये लॉजिक हो गया। अब सीधा आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, चलो निकालो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ब्रिज एंड मोहन कितने नंबर देखना बेटा हैं, आपकी बुक में कितना है, इस बुक में लास्ट ईयर के ऊपर 36 है बेटा, उससे जस्ट अगला क्वेश्चन ही है, आप खोल के रखो बुक पेज, न्यू बुक में बताओ कितना है, कहां चलेगी तुम बेटा, चैप्टर तो सही निकाल रखा है, कितना नंबर है, कितना 38, न्यू बुक में 38 है और लास्ट ईयर की बुक में 36 है, ठीक है। देखो ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर फॉर्म, सुन लेना, ब्रिज और मोहन दो पार्टनर है, कहता है कि दे विड्रॉल 48,000 और 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरी बात सुनो, उसकी टोटल ड्रॉइंग बता रखी है पूरे साल की 48,000 और, बोलो बेटा, दे विड्रॉल 48,000 और 36,000 ड्यूरिंग द ईयर एवरी इन द मिडल ऑफ ईच मंथ अकॉर्डिंग टू द डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज 10%, कितना लगाना बेटा 10%, मिडल ऑफ एवरी मंथ को अंडरलाइन करो, मिडल ऑफ एवरी मंथ करो अंडरलाइन, अच्छा मिडल में होता क्या होता है 6, बोलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेपर में फॉर्मूला लिख के करना, क्या लिखोगे, टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू 6/12, टोटल ड्रॉइंग बोलो कितनी है, ब्रिज की बात करें कितनी, ब्रिज की 48, रेट क्या है, आगे बात समझे, सौ बेटा कितना आया, कितना आ गया बेटा, कट किया इसको 2400 आ गया, ऐसे किसका निकालना है, मोहन का, ये पूरे साल की ड्रॉइंग है उसकी हर महीने, अगर अपने को बोलना था 5,000 रुपए पर मंथ, तो 5,000 रुपए एक महीने के निकालता युवराज, तो 5,000 नहीं लिखते, फिर एक महीने में 5,000 निकालता, तो साल में कितने महीने होते, 14-12 होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 5,000 × 12 कितना 60,000 लिखते फिर, यहां पर पूरे साल की दे रखी है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, रेट क्या है 10% और इंटू 6/12 कितनी आ गई 1800, नोट कर लो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बुक में 39, ओल्ड बुक में 37, ये हाँ जल्दी करो, ये क्वेश्चन देखो पेपर में आया हुआ है, सीबीएसई 2019 लिखा होना, 2019 में आया था ये, दो नंबर में आया था, दो ही गाया आएगा इतना छोटा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना, दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 10,000 निकालते हैं एवरी मंथ, मिडल ऑफ द मंथ हो गया ना बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्मूला लिख रहे हैं, टोटल ड्रॉइंग, मैं देखो बार बार लिख रहा हूं, लिखना है आपने टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मिडल में निकाल रहा है 12। अब टोटल ड्रॉइंग यहां गलती 10,000 लिख देता बच्चा, गलत हो जाएगा, 10 × 12 कितना आएगा 1,20,000, एक महीने के 10,000 निकालते तो पूरे साल में कितना निकालेगा 1,20,000 निकाल। देखो क्या टोटल ड्रॉइंग, मैंने ये नहीं लिखा तुषार ड्रॉइंग वन मंथ की, नहीं टोटल पूरे साल की, सर पिछले में क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले में पूरे साल की दे रखी थी, बोलवा समझाएगी, तो ये कैसे आया पता लग गया, 10,000 × 12 रेट बोलो 12% और 6/12 7,200 आएगा, नोट कर लो। अब बेटा इसने केस बना के दिए हुए, कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चन खत्म, केस बना के दिए हुए आपको होमवर्क के लिए, तो प्लीज आप क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन है, इंटर नेक्स्ट टॉपिक कैंडल एप्रोप्रिएशन लिखा उससे पहले वाले कितने क्वेश्चन है, सुन लो बेटा, जिनके पास लास्ट ईयर की बुक है, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट 7 क्वेश्चन करने हैं, अब पुरानी बुक है तो 5 है, नहीं है तो 7 है, मैं क्या करूं उसमें, ठीक है कितने हैं, क्वार्टर के स्टार्टिंग में तो क्या आएगा 7.5, क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉल क्या तो 7.5, क्वार्टर के मिडल में क्या तो 6 और क्वार्टर के एंड में क्या तो 4.5, लॉजिक बता दूंगा कल, वही लॉजिक ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो आप ऐसे करना, मंथ वाले जितने भी क्वेश्चन है, मंथ वाले जितने भी क्वेश्चन है ट्राई कर लेना, ठीक है, इजी है बोल्ड है, ठीक है बेटा, कल छुट्टी आराम से कर लेना, जय श्री श्याम।